बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है अनार। अनार के बारे में इस वीडियो में मैंने मुकम्मल मालूमात फराहम की है। कुरान पाक में भी इसका जिक्र आया है और इसके क्या क्या फ़वाद हैं इस वीडियो में जानिए। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला की हम पर बेशुमार रहमतें और नेमतें हैं। इन नेमतों में फल भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये भी अल्लाह ताला का बेहद करम है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें हर तरह का फल मौजूद है। इन्हीं फलों में से एक फल अनार भी है। यकीनन आप सब ने अनार खाया होगा। अनार का जिक्र रुमान के नाम से कुरान हकीम में 3 मरतबा आया है। मसलन सूरत अल-इनाम में हुक्म हुआ है कि तर्जुमा, खजूर, जैतून और अनार वगैरह की जब फसलें काटी जाएं तो फौरन उसमें से एक हिस्सा हकदारों को दे दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अनार फ़लस्तीन, शाम और लुबनान में आम हो चुका था। आजकल अनार तुर्की, अफ़गानिस्तान, शाम, मराकश, स्पेन और पाकिस्तान में बहुत पैदा होता है। तुर्की में मुसलमानों की खातिर अनार से की जाती है। अनार में तब भी फ़वाद बहुत हैं, ये गज़ाइत से भरपूर है। इसमें शक्कर के अलावा विटामिन्स हैं। इसका रस एक हल्की और फरहत बख्श गज़ा है। बीमारों की कमज़ोरी दूर करने के लिए एक अच्छा ज़रिया है। अनार दिल और दिमाग को ताजगी बख्शता है। कहा जाता है कि इसके इस्तेमाल से इंसान में नफ़रत और हसद का मादा ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।